अस्सलाम वालेकुम, नाइन्थ के बच्चों क्या हाल हैं आपका? ठीक ठाक हैं? तो आपका पेपर फिर इस दफ़ा SLO बेस्ड होगा और आप काफ़ी परेशान भी होंगे कि SLO बेस्ड पेपर है तो इसकी तैयारी कहाँ से की जाए। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको तैयारी करने का तरीका भी बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपको गेस्ट पेपर भी बताऊंगा पूरी बुक का, और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इस पेपर को अगर पास करना है तो आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर, और उसमें हम ये पहले सबसे पहले हमने जो है वो क्लियर करना है कि किताब से हमने कितना पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि शायद किताब ही सब कुछ है, जबकि अब बोर्ड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मेथड की तरफ जा रहे हैं जिसमें आप समझ लें कि किताब की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, उसकी वैल्यू अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। तो ये है आपका मॉडल पेपर, और इसमें आपका जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज ऑफ MCQs, हमेशा की तरह 15 नंबर का है, लेकिन इसके अंदर अगर हम वन बाय वन सारे MCQs को देखें तो इसमें से बहुत कम MCQs जो हैं वो आपके किताब में से आए हुए हैं। 15 में से शायद 3 या 4 MCQs हैं जो कि बुक में से आए हुए हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर से आए हुए हैं। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, तो आप इसमें देखें ये किताब से नहीं आया हुआ। द थीम ऑफ द लेसन द टू बारगेन्स इज, तो अब ये आपका जो है ये आप कह सकते हैं कि ये बुक में से आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलर वर्ब, ये भी किताब के अंदर से नहीं आया हुआ। एज सून एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रोअर्ड विद वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। द अबव सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, किस लेसन से लिया गया है, तो ये आप कह सकते हैं कि बुक में से आया हुआ है। फिर अगला ट्रांजिटिव वर्ब आपने फाइंड आउट करना है, ये ग्रामर का है। फिर उसके बाद अगला ये भी ग्रामर का है, अगला क्वेश्चन फिर ग्रामर का है, अगला फिर ग्रामर का है, ये भी ग्रामर का है, ये भी ग्रामर का है, ये भी ग्रामर का है, क्वेश्चन नंबर 12 भी ग्रामर में से है, 13 भी ग्रामर में से है, 14 भी ग्रामर में से है, 15 भी आपका ग्रामर में से है। यानी आप देखें कि 15 में से आपके 2 या 3 मैक्सिमम MCQs जो हैं वो बुक में से आएंगे, बाकी सारी की सारी आपने करनी है ग्रामर। अच्छा, उसके बाद जो आपका सेक्शन बी है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ फ्रॉम द बुक, और ये भी सारा जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला होता है, लेकिन ये भी सारा का सारा क्वेश्चन आपका बुक में से नहीं आएगा, बल्कि इसमें भी देखें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बुक में से है, दूसरा बुक में से है, और तीसरा देखें राइट अ सेंटेंस ईच फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये वाला जो है ये जारी बात है ग्रामर का क्वेश्चन है। What is the theme of the lesson Nasiruddin? ये आपका बुक में से है। What are the 3 elements of a story? अब ये आपका बुक में से नहीं है, ये आपको जो basics of literature है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद What is the main idea of the lesson technology in everyday life? तो ये आपका बुक में से है। Pick out uncountable nouns from the given. अब ये आपका बुक में से नहीं है। फिर उसके बाद What is the main idea of the poem? Hope is everything with feathers. Hope is the thing with feathers. अब इसमें देखें 3 questions जो हैं, 8 questions दिए गए हैं, 8 में से 3 questions जो हैं वो आपके ग्रामर बेस्ड हैं। तो ये आपको ना मैं सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किताब में से कितना पोर्शन आपने करना है और किताब से हट के आपको जो ग्रामर है वो कितनी आनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट 90% आपका जो है वो ग्रामर बेस्ड है, दूसरा आपका जो क्वेश्चन है इसमें से भी मतलब 8 questions हैं, 3 आपके ये 6 आपने करने हैं, तो 6 में से 3 जो है वो आपके क्या हैं ग्रामर बेस्ड हैं। सो 40-50% आपका ये भी क्या है ग्रामर बेस्ड है। फिर उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 2 पैराफ्रेज, और क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंजा में से क्वेश्चन आंसर, ये आपका सारा का सारा बुक में से आएगा। 8 नंबर के ये और 5 नंबर के ये, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 नंबर का ये वाला आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है बुक में से आएगा। यहाँ से आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बुक में से आएंगे, लेकिन आपको साथ साथ ग्रामर भी आनी चाहिए। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होके फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है ये समरी कॉम्प्रीहेंशन का है, आपको एक पैसेज दिया गया होगा और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन सी जहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला क्वेश्चन है दैट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू, ये भी आपका बुक में से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एप्लीकेशन या लेटर लिखना है, ये भी बुक में से नहीं आएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है स्टोरी लाइन, एक स्टोरी को डेवलप करना आउटलाइन से, ये भी बुक में से नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है ये उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ये भी आपका बुक में से नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका अनसीन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका अनसीन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका अनसीन है, यानी सेक्शन सी आपका सारा का सारा अनसीन है, और सेक्शन बी में से क्वेश्चन नंबर 4 आपका अनसीन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ एक बुक से है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आधा बुक में से है। यानी आपका पूरा जो किताब में से जो चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है वो सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 1 है सब्जेक्टिव का और क्वेश्चन नंबर 2, बाकी सब का सब आपका पेपर जो है अगर मैं पूरे पेपर में से आपको बताऊं तो आपका 70% पेपर जो है वो सारा का सारा क्या है ग्रामर बेस्ड है। अब इसकी आप लोग प्रेपरेशन कैसे करेंगे, इसकी प्रेपरेशन के लिए ना मैंने आपके लिए ये एक पूरी फाइल प्रिपेयर की है, यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर जो है वो नज़र आए। अब ये देखें मैंने ये लिंक आप लोगों के लिए वीडियोस बना के और उसके लिंक जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ इस तरह से डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
आप जब डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे ना, तो इस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी भी होगी, उसके बाद आपको नीचे इस तरह से लिंक नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर वन जो है एमसीक्यूज के लिए आपने ये वीडियो देखनी है। सब्जेक्टिव में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन आपका क्वेश्चन आंसर का है, उसके लिए आपने ये प्लेलिस्ट देखनी है जहाँ पे आप मैंने सारे जो चैप्टर्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपका पैराफ्रेज का है, तो पैराफ्रेज किस तरह से करनी है उसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे, और स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर्स किस तरह लिखने होते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देखेंगे, और अनसीन कॉम्प्रीहेंशन किस तरह करनी है उसके लिए आप ये वाला लेक्चर देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में लेटर राइटिंग के लिए ये वीडियो देखेंगे, एप्लीकेशन राइटिंग और सीवी के लिए आप ये वाली वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव और सेवन जो है आपका ट्रांसलेशन वाला, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देखेंगे। तो ये आपने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जितने भी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे तो आपकी मुकम्मल प्रेपरेशन जो है वो हो जाएगी, और इस पे आपके लगेंगे सिर्फ चार घंटे। चार घंटे की का ये टोटल मटेरियल है जिसको पढ़ने से आपकी मुकम्मल की मुकम्मल प्रेपरेशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रामर है उसको अगर आप बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर आपने बुक से उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं और उनके जो स्टैंजाज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका भी मैं आपको मुकम्मल जो गैस होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो टोटल आपकी जो बुक है, बुक के अंदर जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं 15, ठीक है, और इसमें जो चैप्टर्स हैं उसमें से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताता जाऊंगा, और साथ ही ग्रामर के लिए मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। अब आपका जो चैप्टर नंबर वन है इसका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फाइव, ये इसके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन थ्री एंड फाइव इसके क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो इसके एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे आपने करने हैं। ये वाले एमसीक्यूज जो पांच एमसीक्यूज तीन चार या नॉर्मली पांच एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, ये पांच एमसीक्यूज आपने लाजमी करने हैं, और उसके बाद आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन आता है, जैसे अभी यहाँ से आपका ये ट्रांसलेशन, ठीक है, ये वाली ट्रांसलेशन आपने करनी है, और ये जो ग्रामर है ना, हर चैप्टर के आखिर में जो ग्रामर दी हुई है और उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एमसीक्यूज हैं, वो आपने सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम यूनिट नंबर टू में आ जाते हैं, तो यूनिट नंबर टू में से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट नंबर टू में क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री सॉरी क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर फाइव, वन और फाइव, ठीक है, ये दोनों इस क्वेश्चन में इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपके एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के वो भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और ग्रामर वाला पोर्शन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, किसी भी चैप्टर का चैप्टर्स की जो ग्रामर है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये देखें, ये प्रोनाउंस हैं, तो प्रोनाउंस के ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज कायद अ ग्रेट लीडर, और इसके मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब इसमें आपने वाई डिड द क्राउड रोअर इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वाला क्वेश्चन आपने करना है, एंड वाई हैड पीपल बिकेम होमलेस, एंड वाई डिड कायदे आजम लुक सैटिस्फाइड, और उसके बाद ये जो फर्स्ट है डिस्क्राइब द पर्सन हु हैड, ये फर्स्ट फोर क्वेश्चन आपने इसके प्रिपेयर करने हैं। और उसके बाद ये एमसीक्यूज आपने इस चैप्टर में से करने हैं, और उसके बाद ग्रामर में जब आते हैं तो ग्रामर का पोर्शन जो है वो आपने ये ग्रामर के एमसीक्यू ये जो ये वाले वर्ब्स के जो एमसीक्यूज हैं ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर फोर आपका है डैफोडिल्स पोएम, इसका जो सेकंड और थर्ड स्टैंजा है ये आपने अच्छे तरीके से करना है। सेकंड और थर्ड स्टैंजा जो है ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, और इसके क्वेश्चन आंसर सारे आपने करने हैं। छः इसके क्वेश्चन हैं, छः के छः आपने करने हैं, इसमें से लाजमी आपका एक आधा क्वेश्चन आएगा। इसकी ग्रामर जो इसके एमसीक्यूज का पोर्शन है वो आपने करना है, और इसकी जो ग्रामर है उसके जो एमसीक्यूज हैं ये वाले ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर फाइव आपका है द मदीना चार्टर, और ये आपका इसमें से एक आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी आएगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, इसमें क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर और फाइव, ये चार क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में से लाजमी करने हैं, और इसके एमसीक्यूज करने हैं, और फिर इसी चैप्टर का जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिवीजन का जो पोर्शन है ना, रिवीजन के पोर्शन में जो ग्रामर है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। रिवीजन के पोर्शन की जो ग्रामर है उसमें से एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर सिक्स आपका है नसीरुद्दीन, और
ये वाला जो चैप्टर है इसमें से आपको कॉम्प्रीहेंशन पूछी जा सकती है, अगर कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज बुक में से आया तो इस चैप्टर में से आ सकता है। एंड व्हाट आर नसीरुद्दीन स्टोरीज फेमस फॉर एंड हाउ वर द थीव्स रिलेटेड टू नसीरुद्दीन एंड व्हाट वाज नसीरुद्दीन एक्सप्लेनेशन टू द गार्डनर, ये तीन, और उसके बाद विच एनेक्डोट फ्रॉम द लेसन, ये वाला स्किप कर सकते हैं आप। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीन क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेने हैं प्रिपेयर। और इसकी जो ग्रामर है, ग्रामर में ये जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ये आपने इसके एमसीक्यूज अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है द टू बार्गेन्स, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में जो एमसीक्यू जो आपके जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको इसमें आ सकता है। एंड व्हाई डिड हजरत उमर वीप, और उसके बाद व्हाट सिंपल स्टेप्स कैन यू इनकॉर्पोरेट इनटू योर लाइफ टू फॉस्टर जनरोसिटी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जनरोसिटी इन इस्लामिक हिस्ट्री, और उसके बाद व्हाट डिड हजरत उस्मान डू व्हेन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने चार क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और इसके एमसीक्यूज को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इसका बार बार मैं बता रहा हूँ कि हर चैप्टर की जो ग्रामर है उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ग्रामर आपकी 70% सिलेबस में आपके क्या है, ग्रामर है। चैप्टर नंबर 8 आपका है होप इज द थिंग विद फैदर्स, एमिली डिकिंसन की एक ये पोएम है, और इस पोएम का जो सेकंड स्टैंजा है और इसका जो थर्ड स्टैंजा है, ये दो स्टैंजाज इसके इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों स्टैंजाज आपने इसके करने हैं, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आपने व्हाट इज द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मीनिंग ऑफ द पोएम, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, और उसके बाद जो सेवन्थ क्वेश्चन के जो दो पार्ट्स हैं ये दोनों आपने करने हैं, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स आपने करने हैं, और इसके एमसीक्यूज आपने करने हैं, और इसी तरह से इसका ये वाला जो इसमें है ना, इमेजरी इन पोएट्री, इमेजरी क्या होती है, ऑनोमेटोपिया एंड डेनोटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर द फैंटास्टिक शू मेकर, और द फैंटास्टिक शू मेकर जो है इसमें से मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीन क्वेश्चन, और उसके बाद आ जाते हैं व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट ज़रीन गुल एज शू मेकर, ये आपने चार क्वेश्चन जो है वो इसमें से करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 आई गेस टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5, ये चार क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में से करने हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट आपका रिवीजन का, ये जो चैप्टर है ये आपने रिवीजन के चैप्टर में से जो ये ग्रामर के एमसीक्यूज हैं ये आपने अच्छे तरीके से बेटा प्रिपेयर कर लेने हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं सेफ्टी फर्स्ट, तो ये वाला जो चैप्टर है इसके मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स बताता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इसमें से आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4, और इसकी एमसीक्यूज करने हैं, और इसका जो ग्रामर का पोर्शन है ये चूज द करेक्ट सेंटेंस, पंक्चुएशन वाला एक जो एमसीक्यू है वो आपका इसमें से लाजमी आएगा, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 12 है द ओल्ड वुमन, ठीक है, और इसमें आपने जो है वो जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका ये आपने करना है, फर्स्ट स्टैंजा इसका इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपका है इसका ग्रामर का पोर्शन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए, आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। यूनिट नंबर 13 है लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर, तो इसमें से सिर्फ आपको लेटर लिखने का तरीका बताया गया है, तो आपने सिर्फ इसमें से इस चैप्टर में से सिर्फ लेटर लिखने का तरीका सीख लेना है, क्योंकि अगर फाइनल में आपको पता है लेटर आपको लाजमी आता है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके जो एमसीक्यूज हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप कर सकते हैं, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो ग्रामर है वो आपने स्किप नहीं करनी। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान 14 चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, आपका पेपर अगर थोड़ा सा मुश्किल बना तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। तो डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी इन पाकिस्तान, और उसके बाद नेम सम इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पाकिस्तान एंड हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट एज इंडिविजुअल्स टू सेव नेचर, ये तीन क्वेश्चन आपने इसमें लाजमी करने हैं।
और उसके बाद आपकी जो लास्ट पोएम है अबू बिन आदम, ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। इसमें से आपको जो पोइट्री वाला जो पोर्शन होगा, या तो पैराफ्रेजिंग के लिए इसमें से आ सकता है आपको, या फिर आपको जो क्वेश्चन आंसर वाला जो स्टैंजा होता है वो आ सकता है। तो ये आपने पूरी जो पोएम है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी अच्छे तरीके से करें, और इस पूरी पोएम को भी आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। बाकी जो नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन हैं, ये यहाँ तक हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका पैरा कॉम्प्रीहेंशन का है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक तरतीब के साथ जो लिंक अपलोड किए हैं, उसके लिए आप कॉम्प्रीहेंशन का लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो आपको ये इस क्वेश्चन की फिर मजीद आपको प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से ट्रांसलेशन किस तरह से करनी है उसके लिए भी आप वो लेक्चर मेरा अटेंड कर लें, 4-5 मिनट का एक वीडियो है, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है, वो आप देख लें। और एप्लीकेशन और लेटर लिखने का जो तरीका है वो भी मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की है, और उसके साथ मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी उसमें बताए हैं। तो मैं सिर्फ आपको गैस नहीं बता रहा, मैं आपको मुकम्मल प्रेपरेशन का तरीका भी बता रहा हूँ, और सारा का सारा मटेरियल जो है वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मुकम्मल तरीके से गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से आप इसकी तैयारी करें, और अपनी बुक के ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स के निशान लगवाए हैं वो आप निशान लगा लें, पोइट्री के निशान लगा लें, और पढ़ना स्टार्ट कर दें। मजीद आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद, और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टूडेंट्स भी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।